हरपर क्लब बांदा में दो दिवसीय कार्यक्रम का अभिव्यक्ति का भव्य आयोजन किया गया। आज कार्यक्रम के दूसरे दिन आदर्श शिक्षण समिति प्रबंधक प्रशांत चौहान एवं बांदा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बांदा के महाप्रबंधक दिनेश दीक्षित द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में बुंदेलखंड की भर्ती हुई चित्रकार कलाकार डॉक्टर वंदना सिंह एवं अपूर्वा सोनी द्वारा निर्मित की गई चित्रकला को प्रदर्शित भी किया गया एवं आयोजन कार्यक्रम के उपस्थित समस्त सम्मानित लोगों ने उनकी इस प्रतिभा को हृदय से सम्मान किया व आर्ट गैलरी भी पसंद की गई। कलाओं को खरीदा भी। कार्यक्रम के आयोजन प्रशांत चौहान ने बताया कि बुंदेलखंड में पहली बार इस प्रकार के आयोजन की प्राप्त बुंदेलखंड में पहली बार इस प्रकार के आयोजन की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हस्तकला को बढ़ावा देना व कोशिश से प्राप्त धनराशि को आदर्श शिक्षा निकेतन समिति व बांदा कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से कार्यक्रम के आयोजक में मुख्य अतिथि के रूप में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के महाप्रबंधक दिनेश दीक्षित व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रदेश महासचिव प्रवीण चौहान व हरपल के महिला सोसाइटी में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आयोजन का शुभारंभ सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी द्वारा किया गया एवं आयोजन के दौरान व्यापार मंडल से अमित सेठ गोलू, राजकुमार राज, राम शर्मा, अनुराधा शर्मा, शशि सिंह, क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष विवेक सिंह, अभिषेक सोनी, जिला महामंत्री भाजपा सौरभ गुप्ता, गौरव चौहान, अतुल तिवारी, पीयूष गुप्ता, जयप्रकाश त्रिपाठी, प्रधानाचार्य आदर्श शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, वनमाला चौहान एवं विकास अग्निहोत्री व सम्मानित गण उपस्थित रहे। बांदा से संवाददाता उमेश यादव की रिपोर्ट। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग है, तो किन के माध्यम से ये पेंटिंग आज उपलब्ध हुई? ये इनका तो सबसे ज्यादा योगदान हमारे भाई है प्रशांत सिंह चौहान जी, आदर्श प्राइवेट आईटीआई के प्रबंधक जी। तो उनका ये था कि तुम लोग घर के अंदर ही तक सीमित हो, तो उनको बाहर लाने का मकसद ये था कि ये जो भावनाएं तुम लोगों ने पेंटिंग के माध्यम से दर्शाई तो सारे जनता तक जाए। ये जितनी भी पेंटिंग हमने है तो ये प्रकृति से संबंधित जो भी समाज में हो रहे हैं अत्याचार, ये सब उनको दर्शाते हुए पेंटिंग रखी है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान उनका है और हर्बल क्लब है जहाँ पे हमने लगाया, उन्होंने दिया है। आप जैसे और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने हम लोगों का सहयोग करके यहाँ तक हम लोगों को। ठीक, क्या नाम है आपका? डॉक्टर वंदना सिंह। हम दो लोगों ने मिलकर के पेंटिंग बनवाई हुई सारी पेंटिंग। और इसकी सर बेसिक थीम यही है कि हम लोगों ने ज्वलंत मुद्दे उठाए हैं, जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं जो हमारे समाज को जिनकी जरूरत है, जिनकी आवश्यकता है, वो सारे मुद्दे हम लोगों ने इसमें लगाने की कोशिश करी है कि इनके माध्यम से हम उनको लोगों को जागरूक कर सके। एक छोटी सी कोशिश है, आप लोगों का प्रयास, सबका सहयोग रहेगा तो ये कोशिश एक बहुत बड़ा एक मिशन बन जाएगी सर। बहुत सर। आपका? मेरा नाम प्रशांत चौहान है, आदर्श शिक्षा निकेतन समिति बांदा का मैं प्रबंधक हूँ। आज यहाँ हरपल क्लब में जो पेंटिंग हुई है, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? एक्चुअली जो समिति हमारे करीब 40 वर्षों से शिक्षा एवं कला के माध्यम से बहुत सारे ऐसे जिले और मंडल में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम बीच बीच में कराती रहती है, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह कुछ ऐसा कुछ मैंने देखा उन लोगों के अंदर, उनके अंदर प्रतिभाएं देखी, तो मेरे को ऐसा लगा कि क्यों ना मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। ये बुंदेलखंड की पहली बुंदेलखंड की ये ऐसी एग्जीबिशन है जिसको हम लोग ने लगाने का प्रयास किया है। अब तक पूरे बुंदेलखंड में इस कला के क्षेत्र में जिस तरह से चित्रकारिता हमारे विशेष एक डॉक्टर वंदना सिंह है और अपूर्वा सोनी करके हैं, दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये पूरी एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज कराया और उन लोगों ने बनाई है ये पेंटिंग है। तो मैंने उनके अंदर जो प्रतिभाएं देखी उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हमको इसको पूरे बुंदेलखंड में उजागर करना चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट हमारे मन में ये आया कि हमें लगा कि इसको हम लोगों ने चैरिटेबल भी बनाया और इसको अपनी सोसाइटी के माध्यम से ये चाहा कि जो भी इसमें पैसा है, जो भी इसको सेल के बाद जो भी इसकी लागत है उसको हटाने के बाद जो भी निकलेगा उसको हम लोग चाइल्ड वेलफेयर और हेल्पलेस पीपल के लिए उसको डोनेट भी कर देंगे। तो एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने कोशिश की है कि हम इसको आगे से आगे बढ़ाकर, और हमारे बांदा के सभी लोगों का इसमें बड़ा अच्छा योगदान और सहयोग भी हमको मिला।